जय हुणेश्वर महादेव की। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय गुरु जी और मुझे समय समय पर मार्गदर्शित करने वाले बड़े भाई आचार्य व्यास शिवराम भट्ट जी, इस क्षेत्र के यशस्वी ओजस्वी और तेजस्वी विधायक श्रीमान गोपाल रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, पूर्व में जिला महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई विजय संतरी जी, दादाजी पयाल जी, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख हमारे दादाजी सुंदर सिंह पयाल जी, विजय संतरी जी, यहाँ पर उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों माताओं बहनों एवं मेरे बुजुर्गों, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारे इष्ट देवता है चंद्रनाग देवता, इसको किस तरीके से आपने सुसज्जित किया यह हम लोगों की अंतरात्मा जानती है। इस कथा को करते हुए, इस तीन दिन के कार्यक्रम को करते हुए, कल रात के जागरण को करते हुए और आप लोगों की व्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों के दिल में कहीं ना कहीं देवी देवताओं के लिए बहुत जगह है। और एक लाइन बोलना चाहूंगा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले वो उनके पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। और ये हुनर इस गांव के युवा साथियों का है, युवा लड़कों का है, जिन्होंने 5 किलोमीटर दूर आकर के यहाँ पे प्रत्येक चीजों की व्यवस्थाएं करी, छोटी छोटी चीजों को, मतलब हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर हैं। प्रत्येक लड़का कोई किसी काम के लिए मना नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उन लड़कों का हुनर है और ये उन लड़कों को आगे जाने के लिए और भविष्य यहीं से उनका तय करता है कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा और दशा भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छी होगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेन विषय जो है वो माननीय विधायक जी के साथ का है कि वो आपकी जो कुछ समस्याएं हैं उनका निराकरण हो और उनका समाधान हो। और जहां तक मुझे लगता है कि हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी ओजस्वी और तेजस्वी कर्मठ विधायक जिन्होंने आपकी समस्त समस्याओं का अभी तक समाधान किया है, यह बोलने वाली बात नहीं है। चाहे वो रोड का विषय रहा हो, चाहे वो क्षेत्र की किसी भी समस्या का विषय रहा हो, कुछ चीजें हुई है और कुछ होने वाली है, इस चीज पर आप जरूर मनन करें। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद, जय चंद्रनाथ।